हाय फ्रेंड्स, एम्प्रो जाल्टेस के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे टाटा 4825 BS6 में एड ग्लू टोजिंग टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं जाल्टेस V9 स्कैनर से। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, डेफ पंप और डोजिंग वॉल्व मेन दो पार्ट्स हैं डोजर के। डेफ पंप यूरिया को यूरिया टैंक से सक करता है और यूरिया को लगभग 8 bar के प्रेशर पर डोजिंग वॉल्व को डिलीवर करता है। डोजिंग वॉल्व हाई प्रेशर यूरिया को SCR सिस्टम के मिक्सर में स्प्रे करता है, जहां पर यूरिया नॉक्स के साथ केमिकल रिएक्शन करती है और हार्मफुल गैस नॉक्स को वाटर प्लस नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्रांड सेलेक्ट करेंगे टाटा, उसके बाद हमारा जो मॉडल है 4825 सेलेक्ट करेंगे हम। हमारा व्हीकल का जो ECM है वो कमिंस का है, तो हम कमिंस सेलेक्ट करेंगे और कनेक्ट करेंगे। हम चलेंगे सिस्टम चेक में। यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा हमें एड ब्लू टैप का, हम सेलेक्ट करेंगे पंप को और अपना एक्सपायर्ड कोड एंटर करेंगे 6 digit वाला। डोजिंग प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स पे ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो हमारा डोजिंग वॉल्व है उसे हमें डिस्कनेक्ट करना होगा SCR सिस्टम से। सेकेंड थिंग, उसे हम किसी एक बीकर में होल्ड कर लेंगे। ये जो पूरा प्रोसेस है वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है, तो हमें ध्यान रखना है इस पूरे प्रोसेस के दौरान किसी भी चीज को प्रेस नहीं करना है या स्विच ऑफ नहीं करना है। हमें ध्यान रखना है ये जो प्रोसेस है ये इग्निशन ऑन पे होगा, हमें गाड़ी को स्टार्ट नहीं करना है। जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट होगा, जो एड ब्लू का प्रेशर है लगभग 8.5 bar पहुंचते ही आपका डोजिंग सिस्टम चालू हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रेशर जो है 8.5 के आसपास पहुंच चुका है और टाइम स्टार्ट हो गया है। जैसा कि स्क्रीन में आपको दिख रहा है, इस तरीके से स्प्रे होगा यूरिया का। ये पूरा प्रोसेस जो है लगभग आपका 3 minutes 20 seconds का है और इस पूरे प्रोसेस में लगभग 250 से 300 ml के आसपास आपका यूरिया स्प्रे होगा डोजिंग वॉल्व के थ्रू। ये पूरे प्रोसेस के दौरान आपका जो प्रेशर होगा यूरिया का वो लगभग 8 से 8.5 bar के आसपास रहेगा। इस तरीके से आप प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं डोजिंग टेस्ट का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।